विरोल करनाल मुख्य सड़क का उद्घाटन करने 27 को आएंगे मुख्यमंत्री, तैयारी जोरों पर है। दरभंगा में एयरपोर्ट और एप्स के निर्माण के बाद दरभंगा का भारत में एक अलग पहचान मिलेगा। मंगलवार को जनता कोशी महाविद्यालय विरोल के बगल में विश्वास भवन में सभा को संबोधित करते हुए जदयू के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व विधान पार्षद सरयोजना परिषद की सदस्य संजय झा ने कहा कि एनडीए नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2019 का चुनाव लड़ेगी और बिहार के 40 के 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। दरभंगा जिले के विरोल से लेकर सहरसा के गड़ौल तक बनने वाली मुख्य सड़क का निर्माण करीब पूरा हो चुका है। इस सड़क के बन जाने से न सिर्फ मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र एक हो जाएंगे बल्कि नववर्ष के अवसर पर इस क्षेत्र को विकास का एक नया रूप दिखने लगेगा। वहीं छात्र जदयू के नेताओं के द्वारा जनता कोशी महाविद्यालय विरोल में चार दीवारी निर्माण को लेकर छात्र संघ सचिव पंकज मिश्रा व परिषद सदस्य राजा साहनी ने योजना परिषद के सदस्य संजय झा को ज्ञापन भी सौंपा। मेरे ख्याल से पूरा नॉर्थ बिहार का तो राजधानी दरभंगा ही है, तो ये बन जाने से पूरा यहाँ का परिदृश्य बदल जाएगा। साथ में जो एम्स दिया गया है दरभंगा को, भारत सरकार ने सैंक्शन किया और बिहार सरकार ने तय किया कि दरभंगा में, अब ये नॉर्मल छोटी बात लगती है, एयरपोर्ट और एम्स बन जाएगा तो दरभंगा का पूरा परिदृश्य, एयरपोर्ट तो शुरू ही हो गया, एम्स भी तय हो गया, सैंक्शन हो गया, कागज गया है जमीन में ट्रांसफर होने के लिए, डीएमसीएच के एक हिस्से में एम्स बनेगा। अब इसी किसी को बोल दिया जाता था कि अब आप जाइए दिल्ली इलाज करा, आधा तो वहीं मर जाता था। जो कैसे जाएंगे दिल्ली, किसके घर में जाएंगे, कैसे कार्ड बनाएंगे, कैसे दिखाएंगे? तो क्या सर, मैं दरभंगा के भावी सांसद से बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि, लेकिन जो भी एनडीए का प्रत्याशी यहाँ पर होगा, लेकिन सोशल मीडिया में चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया की, ये तो हमारे नेतृत्व तय करेगा। इतना हम लोग 2019 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बने उसके लिए चुनाव हो, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है। 17-17-6 अलायंस में बट गया है जी, जहाँ से भी एनडीए का जो प्रत्याशी होगा उसको पूरा एनडीए लग करके मदद करेगा। कल एबीपी पे सर्वे आया, दिया ना भाई 40 में 35 सीट मिलने वाला है एनडीए को। मैं 35 ही नहीं मान रहा हूँ, एकाद उधर उधर कहीं गलती से हो गया है, लेकिन ऐसा रिजल्ट 1952 से आज तक बिहार नहीं देखा होगा जो 2019 में होने वाला है। सर, महागठबंधन बन रही है, इस पर आपका क्या कहना है? अब आप खुद देखिए कितने लोग हैं उसमें। हम लोग के यहाँ कहावत है कि कही छे ज्यादा जोगी मठ हो जाए, उनका का शुरुआत परसों होने वाला है। सर, एयरपोर्ट को लेकर के क्या आपका कहना है? एयरपोर्ट तो आप लोग देख ही लिए कि कल इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, कल से काम शुरू हो गया, टेंडर हो गया, उसका कॉन्ट्रैक्टर फाइनल हो गया, सामान आ गया और 31 अक्टूबर तक पूरा काम तैयार हो जाए और जून से यहाँ से प्लेन डायरेक्ट उड़ने लगे। अब ये छोटी बात नहीं है कि दरभंगा से आपको मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट होगा। पटना के बाद मुझे लगता है कि पूरे बिहार में दरभंगा एक जगह ही बना है, तो पूरा यहाँ का रूप बदल जाएगा। कितने सारे, और ये सिर्फ दरभंगा का चीज़ नहीं है, पूरा जो उत्तर बिहार है, किसी को मुजफ्फरपुर सुखद दिन है, जो बिरोल गंडोल जो ये रोड बना है और ब्रिज बना है 400 करोड़ से ऊपर का, और ये एनडीए की सरकार, जदयू बीजेपी की सरकार का देन है। और ख़ास करके इस क्षेत्र में मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, मेरा ही इंटरव्यू मत लीजिए, जा करके हर एक पंचायत गांव में लोगों से पूछिए कि उनके जीवन में कैसा परिवर्तन आया है इस रोड बनने से, पहले किस हाल में लोग रहते थे और अब किस परिस्थिति में रहते हैं। अभी लोग बता रहे हैं अगर कोई बीमार हो गया, सांप काट लिया, तो यहाँ से सुपौल तक नहीं जा पाते थे रात बिरात। तो पूरा परिदृश्य इस क्षेत्र का, मुझे लगता है कि बिहार का जो 10 सबसे पिछड़ा क्षेत्र कोई होता उसमें से एक क्षेत्र ये होता। उस क्षेत्र में इतना बड़ा काम हो जाना, 6-6 महीना पानी से डूबा हुआ क्षेत्र, तो इसलिए बहुत ही बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री का परसों आ रहे हैं, सुशील मोदी जी आ रहे हैं, नंद किशोर यादव जी आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से राजनीति में मेरा मानना है कि जो भी राजनीति करते हैं अल्टीमेटली आप पब्लिक के समस्या के निदान के लिए राजनीति करते हैं।